गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग ना काफ़ी दिन बाद आया है, क्योंकि मुझे ना 2 दिन मतलब बहुत बिजी गया मेरा। तो मैंने वीडियोस जो शूट करी थी बट व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। ये थी मेरी सुबह, और सुबह ही सुबह हमने बहुत जल्दी से आज का रूटीन बहुत ज़्यादा काम वाला था। हमें कोर्ट जाना था, फैमिली कोर्ट किसी काम से, तो मैं बताऊँगी बाद में वीडियोज़ में। अभी नहीं बता सकती हूँ, जब वो काम कम्प्लीट हो जाएगा तभी बताऊँगी। सुबह ही सुबह कोर्ट गए थे, कोर्ट में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि हम लोग की जो डेट थी ना उस दिन जज ही नहीं बैठे थे। तो फिर हम वापस आ गए, बस मम्मी ने साइन करा, फिर हम वापस आ गए। तो कोर्ट में ना मुझे डर लग रहा था वीडियो शूट करते हुए, कहीं ऐसा ना हो मतलब पुलिस पकड़ ले, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर वीडियो शूट करना लीगल है या इलीगल है। क्योंकि फिर ना सिर्फ मैंने बाहर बाहर वीडियो बनाई, अंदर मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं करी। ये मैंने बस वहाँ बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं डर लग रहा था कि कोई कुछ कह ना दे। फिर हम वहाँ से घर वापस आ गए। ये मेरे घर के पास की थोड़ी सी वीडियो है, अगर कोई देहरादून का होगा ना तो पक्का वो लोकेशन देख के समझ जाएगा कि कौन सी लोकेशन है ये। तो फिर मैंने आते ही आज भी मेरा बहुत सारा काम था। फिर बस मैंने चाउमीन बनाई अच्छी सी, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी चाउमीन। बस एक चीज़ की कमी थी, वो मुझे समझ ही नहीं आया, वो रेड चिली सॉस मतलब क्या होता है, वो चटनी होती है कि कोई सॉस आता है अलग से, सिर्फ वो नहीं था इसमें, बाकी तो मैंने हर चीज़ डाला, क्योंकि वो रेसिपी भी मैंने मतलब ना और मेरी फ्रेंड ने बताई थी। तो ये रेसिपी मुझे याद थी इसकी, तो रेड सोया सॉस, वो रेड चिली सॉस का मुझे कन्फ्यूजन था कि वो चटनी होती है कि कोई सॉस की अलग से एक बॉटल आती है, बस वो ही डाला था। बाकी चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी, फिर मैंने चाउमीन खाई। तो मुझे याद फिर घर की दोबारा से सफाई करनी थी, सारा घर दोबारा दोबारा फैलना था, और फिर इतना काम हो जाता ना। तो बस मुझे ये पता था ये चाउमीन खाने के बाद तो फिर रात में कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने रात में खाना था, जो भी खाना था, तो उससे चाउमीन मैंने थोड़ी अच्छे से खाई, मुझे अच्छी भी लगती है चाउमीन। और मैंने पता नहीं मतलब मेरी जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा ज़्यादा अजीब से आ रही थी, मेरे 3-4 दिन से ना मेरी नाम बन रहा, तो अजीब से आवाज़ आ रही थी। क्या कोई बात नहीं, और अभी सही भी नहीं हो रहा है, मैंने दवाई भी नहीं ली थी, तो नहीं सही हो रहा है। उसमें भी गले में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, उसने बुलाया कि डॉक्टर ने कि आपकी नसें कमज़ोर हो रहा है, पता नहीं क्या बताया गले की, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से शायद मेरी वॉइस में कुछ अजीब से लग रहा हो, तो हंसना मत ठीक है। बताइए मेरी चाउमीन बन गई प्यारी सी, टेस्टी सी। फिर मैंने चाउमीन खाई अच्छे से, खाई चाउमीन और खिलाई भी अपने भाई को। बस फिर क्या था, फिर दोबारा से काम ही काम। और ये पूरा घर मेरा मैंने मतलब ऐसे कर दिया ना, फिर दोबारा से आज दोबारा सफाई करनी थी। सोचो मैंने अभी 2 दिन पहले सफाई करी थी ना, फिर आज दोबारा से करनी थी, क्योंकि मुझे ना जो अलमीरा मैंने रखी थी पहले, वो अलमीरा ना बहुत गलत जगह पे रखी थी, मतलब ऐसा हो रहा था कि हम ना इसको खोल ही नहीं पाते थे, वो आधी खोलती थी और फिर सामान निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने यही सोचा कि इसको हम दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। फिर दूसरे रूम में रखवाना, और ये अलमीरा बहुत ज़्यादा हैवी थी, बहुत ज़्यादा, ये मेरे और छोटे वाले भाई जो है ना उसके उसका था ही नहीं अकेले। फिर हमने वेट किया कि उसका कोई दोस्त आएगा और वो हमारी हेल्प करेगा, और उस टाइम मतलब ये देखो कि मेरे भाई की भी छुट्टी थी उस दिन ऑफिस की, और उसका कोई दोस्त था ही नहीं घर पर, सब अपने अपने ऑफिस गए थे। अब हमने सोचा क्या करा जाए क्या करा जाए, फिर हमने वेट किया। हमारे सामने एक अंकल थे, वो बेचारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया आज पूरा घर भर फैल रखा है। मैंने कहा कि ये अलमीरा हटानी है हम लोगों को, और अकेले हमारे बस की नहीं है। फिर बेचारे हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि वो दोनों आए, और फिर भाई और वो जो दो भैया थे उनके साथ उनके भतीजे थे, उन लोगों ने भी मतलब हेल्प करी, और फिर वहाँ से वो अलमीरा हटाई। फिर अलमीरा हटाने के बाद तो अलमीरा का सारा सामान मैंने खाली किया था, फिर दोबारा से उसको वैसी तह करके कपड़े रखे, बहुत सारा काम था, मतलब शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, मैं थक चुकी थी बुरी तरह से, और सारा सामान मैंने दोबारा से तह करा, सारे कपड़े ना प्रेस के थे, फिर सब ख़राब हो गया, प्रेस तो नहीं कर सकती थी बैठ के दोबारा से। मुझे रात के 10:30 बज गए थे ये काम करते करते। फिर ये मैंने लास्ट का वीडियो शूट करा जब मेरी पूरी सफाई अच्छे से हो गई। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा।
और अगर पसंद आएगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, कल को फिर मैं एक नया व्लॉग लाऊंगी पक्का, ठीक है। फिर मिलते हैं, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, थैंक यू।